देखो तो आज जो कल का जो छूटा हुआ चीज़ था वो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो क्या है, देखो, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हम देखेंगे इसमें समय के बारे में, आखिर हम लोग समय के बारे में ही देख रहे हैं इतना दिन से, और देख रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में क्या हुआ था और उसके बाद मेडिवल इंडिया पे कैसे असर पड़ा है समय का, और उसमें क्या क्या चेंजेस है। लोगों का तौर तरीका चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया है, बहुत सारा चीज़। देखो, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा गया है। बोला कि जैसे तुम्हारे और मेरे तरह हिस्टोरियंस ये नहीं बोलते कि समय बीत गया, हो गया। नो, केवल समय बीतने से नहीं होता है, समझे ना। टाइम का मतलब ये नहीं कि घंटा बीत गया, वीक बीत गया, डेज बीत गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इससे क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 100 साल पहले सोसाइटी का जो स्थिति था, इकोनॉमिक सिस्टम था, उसके कंपैरिजन में अभी डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 200 साल पहले गिल्ड सिस्टम था, अभी देखो ट्रेड यूनियन है। 200 साल पहले अंग्रेज था, अभी देखो हमारा भारतीय है। तो ये चेंजेस है एक्चुअली, समझे ना, ये चेंजेस है, यही डेवलपमेंट है, इस हिसाब से देखा जाता है। और एट द सेम टाइम कैसे आइडियाज़ और बिलीव्स आपका चेंज हुआ है ओवर द पीरियड, और बहुत सारे आइडियाज़ और बिलीव आपका सेम कंटिन्यू भी हुआ होगा, है ना। जैसे आज हम लोग जो भगवान को मानते हैं, तो सेम आइडिया पहले भी वैसे ही था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, पर अभी जो हम लोग का मानने का तौर तरीका है, जिस स्टाइल से हम पूछते हैं, उसमें डिफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेंज और कंटिन्यूटी ये हर युग का पैरामीटर रहा है। हर युग में ये तुमको देखने को मिलेगा, चेंज एंड कंटिन्यूटी। चेंज मतलब कुछ चीज़ चेंज और वही चीज़ कंटिन्यूअस हो रहा है, वैल्यू एडिशन है ये और कुछ नहीं। देखो, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम हाउ इजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट पीरियड्स डैट प्रोसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है इसका मतलब, कि जब हम समय को ना, कालखंड को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, यदि जो लंबा समय है उसको हम डिवाइड करके अलग अलग कालखंड को देते हैं, और अलग अलग कालखंड जो है उसमें अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे हम एंशियन इंडिया का बात करेंगे तो एंशियन इंडिया में अलग कल्चर है, मेडिवल इंडिया का बात करेंगे तो उसमें एक अलग कल्चर है, मॉडर्न इंडिया का बात करेंगे तो उसमें अलग कल्चर है। फिर उसको जूम करो, फिर अंदर सब डिवीजन करोगे तो फिर अलग अलग कल्चर है। या विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उस समय कल्चर क्या था उसके हिसाब से भी हम उस पर्टिकुलर पीरियड को जान पाते हैं। जैसे देखो ना, एंशियंट इंडिया में कैसा आर्किटेक्चर बनता था, मेडिवल इंडिया में ताजमहल बनना शुरू हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मॉडर्न इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो कितना अंतर है। पहले रेलवे बनता था, अभी बुलेट ट्रेन बनता है, कितना अंतर हो गया, है ना। तो वही चीज़ बताया गया। देखो, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 में, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड्स। ये लोग क्या किए थे, देखो ये गलत किया है ये लोग। अंग्रेज लोग क्या किया कि हमारे जो पीरियड है, हमारा जो समय है, हिस्ट्री ऑफ भारत का जो हिस्ट्री है, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है लोग। एक को बोलता है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मतलब पहले एंशियंट बोला होगा, मुस्लिम मतलब टर्किश इन्वेजन हुआ तब, और उसके बाद अभी इंग्लिश, यानी कि जब ब्रिटिश कॉलोनी किया। तो ये इस तरह थोड़ी होगा, ये अच्छा थोड़ी होता है डिवीज़न। तो गलत डिवीज़न था ब्रिटिश के द्वारा, समझ में आ रहा है ना। दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया डैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड डैट देर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। और इस तरह का जो डिवीज़न किया है कि पहले हिंदू, उसके बाद मुस्लिम और इंग्लिश, ये बस एक ही पैरामीटर पर काम किया है, क्या, रिलीजन के नाम पर। हिंदू 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 मतलब हिंदू, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, ऐसा थोड़ी होता है। बाकी एस्पेक्ट ही नहीं लिया इसके अंदर, यदि बाकी एस्पेक्ट लेता तो ये जो डिवीज़न है वो डिफरेंट फॉर्म में रहता, समझ गए ना। तो यानी कि उसने इकोनॉमी नहीं देखा, उसने सोसाइटी नहीं देखा, उसने कल्चर नहीं देखा, बस वो रिलीजन के नाम पे उसने डिवीज़न कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि इस तरह का जो डिवीज़न है उसने पूरी तरीके से इग्नोर किया कि ये सब कंटिनेंट में कितना डाइवर्सिटी है कि नहीं है। इस कंट्री में, इंडिया का कितना डाइवर्स कंट्री है ना, एक जगह कुछ और मिलेगा, दूसरी जगह कुछ और मिलेगा, खान पीन में इतना डिफरेंस है, लोगों का सोचने के तरीके में डिफरेंस है, लोगों का रहने का तरीका डिफरेंस है, तो कहाँ ये चीज़ को जस्टिफाई कर पाएगा, बताओ। हिंदू में डिवीज़न है, मुस्लिम में डिवीज़न है, तो फिर
और इंग्लिश के अंदर भी डिवीजन है। तो इस तरह का केवल कालखंड को डिवाइड कर देना हिंदू ये वो ये गलत है, आपको और भी पैरामीटर को ले के चलना चाहिए था। तो ब्रिटिश ने ब्लंडर किया है ये। तो फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस प्योरिटाइजेशन टूडे, मोस्ट लुक टू, अभी देखो अभी भी हिस्टोरियंस यही करते हैं, अभी क्या करते हैं इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि पहले का पास्ट को यदि ठीक से बताना होगा तो उसके लिए आपको जानना होगा कि उस समय का सोसाइटी का स्थिति क्या था, उस समय इकोनॉमी का व्यवस्था क्या था, उस हिसाब से हम सोसाइटी को बढ़िया से जान पाएंगे और अभी के सोसाइटी से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझे ना। हिस्टोरियंस द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर यानी क्लास सिक्स में जो पढ़े हो तुम लोग, उसमें हंटर गैदरर्स अर्ली फार्मर्स पीपल जो टाउन्स में रहते थे विलेज में रहते थे, बड़ा एम्पायर था बड़ा किंगडम था, इसके बारे में तुम पढ़ चुके हो अनडाउटली। अब इस ईयर में जो क्लास सेवन में हम मेडावल के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, इसमें हम समझेंगे, इसमें समझेंगे कैसे पीजन सोसाइटी बढ़ा एक्सेल किया है एक्सपांड किया है, कैसे रीजनल और इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन बाहर से आके कैसे फॉर्म किया, और उतना ही नहीं कंट्री में अलग अलग भी तो किंगडम था छोटा छोटा किंगडम, वो कैसे राइज किया, वो सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस किताब में, समझ गए ना। उसके बाद देखो समटाइम आप देखो अब ये जो इम्पेल स्टेट जो क्रिएट हुआ है, कभी कभी फॉरेस्ट ड्वेलर्स का भी अधिकार मार लेता था, ये जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे ट्राइबल पीपल रहते थे उसको बोलता था कि भागो यहाँ से, और यही कारण है कि अंग्रेज के टाइम में, ये तो मेडिवल का बात है, अंग्रेज के टाइम में तो फॉरेस्ट एक्ट भी आया था 1927। तो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार क्या है कि ट्राइबल्स को अपना जगह से ही बर्खास्त कर दिया गया। तो मेडिवल में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि अपना किंगडम को फैलाने के चक्कर में ये लोग जो वहाँ बसे हुए हैं सबको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, सबको बोलेगा माइग्रेट करने के लिए, और आस्ते आस्ते एक एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा और वही प्लेटफॉर्म बाद में जाके विद्रोह का रूप ले लेगा, और यहीं कहेंगे कि ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, मुंडा रेविलियन हो गया, संथाली रेविलियन हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, एक दिन में रेविलियन नहीं होता है, रेविलियन के लिए वक्त लगता है, कितना दिन तक आदमी बर्दाश्त करेगा बताओ तुम, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन के चक्कर में ना ये पेस्टोरल और फॉरेस्ट वाले पीपल का बुरा हाल हो जाता था। देखो हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन, उस समय जानते हो यही दो धर्म था, और स्पेशली इस्लाम वाला जो रिलीजन है वो तेज़ी से फैल रहा था मेडिवल इंडिया में, वी हैव सीन। और उसके बाद जानते हो यूरोपियन पावर्स लोग भी आए हैं, 1500 का बात करोगे 1500 में वास्को डा गामा आया है, उसके बाद पोर्टुगीज डच फ्रेंच इंग्लिश ये सब लोग आए हैं आस्ते आस्ते करके। दिस थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, और इतना जो हजार साल का एक यात्रा है इसमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वेर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरी, सही बात है कि नहीं। अब जो उस समय का 8th सेंचुरी जो होगा अर्ली शुरुआत का जो अर्ली मेडिवल इंडिया होगा उसके कंपेरिजन में बाद में बहुत चेंजेस हो गया, क्यों, अब फर्स्ट में मीर कासिम का अटैक हो रहा था इधर, तो अब अटैक होने के बाद जब इंडिया में टर्किश इन्वेजन होगा दिल्ली सल्तनत बनेगा और बनते बनते मुगल तक पहुंचेगा तो बात तो बहुत अलग हो जाएगा तब तक। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप देखते हो 8th और 11th सेंचुरी का उस समय उसके कंपैरिजन में 16th और 18th सेंचुरी का स्वरूप ही अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्यों, तब तक सोसाइटी में बहुत परिवर्तन आ चुके होंगे। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड एज अ वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, यानी कि एक ही यूनिट में बोल देना कि मेडिवल इंडिया अब बोल के शुरू से लेके अंत तक दे दिए तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सटीकता से दे रहे हो, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको जाके अलग अलग चीज़ में डिवाइड करके बताना होगा आपको ठीक से। मोर एवर द मेडिवल पीरियड का मतलब होता है इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न टर्म मॉडर्न पीरियड, मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स सेंस ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। अब देखो इसमें देखो कितना गजब का बात है, जो मेडिवल शब्द है वो मेडिवल जो शब्द है वो कॉन्ट्रास्ट करता है अभी के मॉडर्न पीरियड में। अब मेडिवल पीरियड कहते हो तो मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मॉडर्निटी, अब ऐसा मॉडर्निटी तो हुआ ही नहीं वहाँ पे, उसका मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल मटेरियल प्रोग्रेस होना, यानी कि आपका आपके पास बहुत सारा सामान आना, आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेस आना, इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग बहुत सारा खुल जाना। क्या ये सच में उस समय हुआ था? दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सएवर, बट ऑफकोर्स वी नो दिस वॉज द नॉट द केस। बोला कि उस समय मेडिवल इंडिया में कुछ और ही था, ऐसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं,
देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी उतना ही था। इसलिए हम बोलने को तो बोल देते कि मेडिवल इंडिया या मेडिवल पीरियड, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, और इस तरह एक ही पीरियड बोलना ये सही नहीं है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम सेगमेंट, उसमें बहुत सारे टाइम सेगमेंट्स हैं। देखो इसमें बताया जाएगा इस चीज़ के बारे में। अब देखो जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है ना, एनसीईआरटी अपने आप में एक बेस्ट ऐसे है, देखना जैसे एक पैराग्राफ ऊपर का पढ़ा है तो वो पैराग्राफ नीचे भी रिलेट कर देगा। ड्यूरिंग दिस थाउजेंड ईयर्स द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेट ट्रांसफॉर्म ऑफन एंड इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन्स रिस्ट अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी डेट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। सही बात है कि नहीं है? हम देखते हैं कि ये थाउजेंड ईयर्स का जो यात्रा है मेडिवल इंडिया का, इसमें देखते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे ऐसे जगह है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन का केंद्र बना है, और इसके वजह से बाहर के विदेश के लोग सब आए हैं यहाँ पे, वास्को डा गामा सब आए हैं। और जब ये लोग आएंगे, ये लोग का जब इंटरफेरेंस होगा तो और स्थिति बदल जाएगा, सोसाइटी का स्ट्रक्चर और बदल जाएगा। समझ गए ये क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि जिस हिसाब से कंट्री में प्रॉस्पेरिटी था, एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज, अब देख लेना उसमें। वेन एवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन द बुक लास्ट ईयर, लुक एट ऑफ चेंजेस एंड द कंटिन्यूटी वेर यू कैन, इसमें तुमको बताया गया। तो देखो अभी जो मॉडर्न इंडिया है, सॉरी मेडिवल इंडिया जो पढ़ोगे, एंड व्हाट हैव यू रीड इन द एंशिएंट इंडिया, इफ़ यू कंपेयर बोथ द सिनेरियो यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। सही बात है, डिफरेंस है तभी तो अलग है, और अलग अलग कालखंड तो अलग अलग अंतर होगा ही होगा, उस समय का और अभी का देखो, अभी का देखो, यही जगह का ही देख लो जहाँ पढ़ा रहे हैं। एक समय बुद्ध का गढ़ था, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग प्रीच करते थे, अभी देखो है ना। ये तो क्या है, तुम्हारा मगध का हिस्सा है ना ये, तो मगध का हिस्सा मतलब बुद्ध का जगह था ये, कभी यहाँ पे बुद्ध के जो भक्त है वो घूमते थे, अभी देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अलग अलग जगह का अलग अलग डिफरेंस होगा, दैट्स इट, कुछ नहीं है। पहला बस आपका पहला जो चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है कि कैसे समय के साथ चेंज होता है बहुत सारा चीज़, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस वगैरह है, पढ़ लोगे। जैसे कल मैंने बताया था कि फॉरनर का मतलब क्या होता है, फॉरनर का मतलब वही अजनबी, अभी का अजनबी फॉरनर, तो दोनों में अंतर है ना, येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, उसके बाद सब देख लोगे। ये तो नहीं बताऊँगा, तुम लोग क्लास सिक्स के तो स्टूडेंट नहीं हो, ये तो नहीं बताऊँगा एक एक चीज़, वो तो मेरा काम नहीं है। अभी मैं यूपीएससी क्लास ले रहा हूँ, मिनी यूपीएससी क्लास ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू टेल यू अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका काम है कि आप उसको पता करिए वहाँ पे, और यदि तुम नहीं भी पता करते तो इट्स फाइन, बट ये है कि पढ़ लेना, चैप्टर पढ़ लेना और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना उस चीज़ को। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। अब देखो यहाँ से शुरू होगा एक्चुअली, पहले आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या पढ़ने वाले हो, वो है इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी का पहला हिस्सा, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नया किंग है, क्यों? अब भारत बदल चुका है या बदलाव की तरफ जाएगा भारत। देखो नए किंग्स हैं, नए किंगडम्स हैं, एम्पायर नहीं है, एम्पायर नहीं है, एम्पायर एम्पायर के बताए थे ना अंतर क्या होता है, एम्पायर और किंगडम में बहुत अंतर होता है। एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, किंगडम उससे छोटा, किंग छोटा, एम्पायर सबसे बड़ा, अशोका एम्पायर था, समझे, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर था, डिफरेंस क्या है? अकबर कभी एम्पायर नहीं रहा, जहांगीर भी एम्पायर नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि ये लोग किंग क्यों रहेगा। जब अकबर नहीं रहा तो अब वही आंसर, जब अकबर नहीं रहा तो औरंगजेब क्यों रहेगा। एम्पायर मतलब वास्ट रीजन, और वास्ट रीजन तो जानते ही हो, मौर्य से बड़ा किसी के पास वास्ट रीजन नहीं रहा हिंदुस्तान में, किसके पास सबसे ज़्यादा लैंड रहा बताओ, तो अभी कोई सिंगल राजा जो भारत में सबसे ज़्यादा रहा हो, पूजा कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं रहा उसका, गुप्ता के टाइम में कुछ नहीं था उसका, कौन है उससे पहले जरा बताओ, कहाँ विक्रमादित्य कभी एम्पायर रहा है? हाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर रहा, मैसेडोनिया एम्पायर, मैं बता चुका हूँ ना। अब विक्रमादित्य लेकर कहाँ से आ गया तुम लोग, फिर समुद्रगुप्ता लेकर आ रहे हो तुम, छोटा एम्पायर था उसका गुप्ता का, बहुत छोटा एम्पायर था, उसको कंपेयर करेंगे मौर्या से, कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, गुप्ता छोटा है, नॉर्थ गंगटी तक फैला हुआ है, नीचे साउथ में बैठा हुआ है लोग सब, ये तुमको एम्पायर बनाना होगा तो नीचे जाओ ना, नीचे ऊपर जाओ, ईस्ट वेस्ट हर जगह जाओ,
तब जाकर कोई एम्पायर कहेगा उसको। हाँ दक्षिणा प्रथा, कोई बात नहीं है, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ क्वेरीज। देखो नए नए डायनेस्टी इस समय आना शुरू हो गया, 7th century में अलग अलग डायनेस्टीज आ रहा है। देखो इसमें देख सकते हो क्या क्या डायनेस्टी, देखो इसको बढ़िया से तुम लोग कर लोगे। देखो यहाँ पे समझो, पहले अरब सब मंसूरा दिख गया तुम लोग को, अनरता, अरब सब मुल्तान, ऊपर कश्मीर देख लो, सहस देख लो, चमनास, चमनास बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बाद में और कुछ नहीं राजपूत बनता है। देखो परमरास, गुजरारा पतिहारास, बताए थे कभी क्लास में, गुजरारा पतिहारास, पालास और राष्ट्रकूतास, ट्रिपटाइट बैटल होता है 200 साल तक का चलता है इन लोग का बैटल। देखो कनौज, बनारस, प्रयागराज, देख रहे हो ना प्रयाग, यही ना जी प्रयागा, वही बाद में प्रयागराज बनेगा जो बात। चंडेलास देखो, उत्कला देखो, उड़ीसा जो कलिंगा है वहाँ पे ध्यान दो ना, वहाँ पे ध्यान दो, हैव फोकस। पालास देखो, कलिंगा देखो, ईस्टर्न चालुकिया, वेंजी, चोलास, चेरास, पांड्यास, राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटा कैपिटल देखो वहाँ पे मालकेत, इसी के बारे में तो पढ़ोगे, ये अर्ली मेडिवल इंडिया है समझे। अरे पूरा बैटल चल रहा है आप तीनों इस पावर में, ये तीन बहुत खतरनाक पावर होगा यहाँ पे जो लड़ेगा, और तीनों में जो सबसे खतरनाक होगा वो राष्ट्रकूटा होगा, नीचे वाला साउथ वाला, देख रहे हो कर्नाटका वाला दिख रहा है ना राष्ट्रकूटास, ये तो हालत खराब करके रखेगा सबका। देख रहे हो तीनों का दिखाया गया, देखो एक का पूरा राष्ट्रकूटास नीचे का, एक का जो दिखाया गया वो गुजरात पतिहाराज, ये वाला ये ध्यान दो, ये वाला ये देख रहे हो ना, ये गुजरात पतिहाराज है, ये राष्ट्रकूटास और ये पालास, ये तीनों के बीच में बहुत खतरनाक जंग होने वाला है, ज़्यादा नहीं 200 साल का होगा जंग, लंबा चलेगा। कनौज को लेने के लिए, वही कनौज जिसको हर्षवर्धन ने बहुत ऊपर उठा दिया था, और सिल्क रूट का हिस्सा रहा, ठीक है सब समझोगे, कितना बढ़िया से दिया गया बताओ, इतना छोटा क्लास में इतना कुछ दे दिया है, और क्या चाहिए तुम लोग को। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, तो बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और द वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सम कंटिनेंट, है कि नहीं बताओ। 7th century तक आते आते ना बड़े बड़े लोग सब, बड़े बिग बिग लैंडलॉर्ड्स सब, ये सब स्टार्ट हो गए रहना, ठीक है, वॉरियर चीफ सब है। तो अब जब ये है तो ये लोग किंग बनेगा या फिर किंग का असिस्ट करेगा ये लोग, और बहुत पावरफुल सेंटर ऑफ पावर बन के रह जाएगा कंट्री में, सब कंटिनेंट में। तो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और समानता, देखो ये जितने भी बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड है, समानता सिस्टम फॉलो होगा यहाँ पे। समानता का मतलब क्या है कि ये जो जितने भी बिग किंग है ये पूरा डिपेंडेंट है लैंडलॉर्ड पे, और लैंडलॉर्ड पूरा आर्मी को मेंटेन कर रहा है, यदि कोई तरह का अटैक हो गया किंग पे तो बोलेगा आर्मी दो ना जरा, तो ये आर्मी देगा उसको, यानी कि किंग से भी ज़रा पावरफुल बनना शुरू हो जाएगा ये सब, और किंग का मेन स्ट्रक्चर है नीचे वाला लैंडलॉर्ड सब, यही जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं समानता सिस्टम। और लैंडलॉर्ड को उसकी जगह में और भी लैंड मिलेगा, क्योंकि सैलरी तो दे नहीं सकता है, लैंड ही देगा उसको, और लैंडलॉर्ड का और वर्चस्व बढ़ने लगेगा। अच्छा ऊपर देखेगा किंग मर गया, अपना जगह को इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, अपना ही किंग बन जाओ तुम। यस ये सब चीज़ हो रहा था, ये रीजनल जितने भी रीजनल डायनेस्टी बने इसी तरह बने हैं। देखो आगे, तो जो भी किंग थे वो एक्नॉलेज करते थे इन लोग को, और इन लोग को सबऑर्डिनेट मानते थे, यानी कि समानताज मानते थे, समान समानताज बराबर। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, यानी कि जो भी किंग है उसको ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट देते थे लैंडलॉर्ड्स सब, और ये भी कुछ देते हैं उनको, वी प्रेजेंट एट द कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। देखो तो मिलिट्री सपोर्ट देता था ये लोग, लैंडलॉर्ड से वाला जो है वो मिलिट्री सपोर्ट देता था जब जरूरत पड़ता था। तो एज समानताज गेन पावर, पावर है और वेल्थ, वेल्थ क्यों नहीं, लैंड ही लैंड है उसके पास, वेल्थ ही है। तो देखो अपने आप को महासमानता भी बोलता था, या महामंडलेश्वर भी बोलता था, ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, देख रहे हो ना, ये भी एक छुटपुटिया किंग बन के बैठा हुआ है अपने जगह पे। किंग वाला अंदाज तो पहले आ गया, अभी देखो ना राजपूत वाला, राजपूत लोग के पास किंग वाला एटीट्यूड होता है कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता है। यस ये है घर है, ये है, ये रीजन है, जमीन जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बोलने का तरीका कैसा रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है ना, इतना बीघा जमीन है क्या है, जमीन पावर है कि नहीं बताओ, जमीन पावर है, बहुत बड़ा पावर है, जाओ पावर भी नहीं बहुत बड़ा पावर है, जितना बीघा जमीन होगा आपका उतना आपका स्वर बढ़ जाएगा और उतना ही आपका बात माना जाएगा। और यदि गाँव देहात में बहुत ज़्यादा जमीन हो
आधा ही गांव का जमीन हमारा है, तो मुखिया हम ही बनेंगे और हम ही फैसला सुनाएंगे। यदि हमारे जमीन पे विवाद है तो बात ही खत्म हो गया, काहे का विवाद होगा। यस, इट इज अ पावर, लैंड पूरा पावर है। वही चीज दिखाने का प्रयास किया गया है। सम टाइम देखो, वही तो लिखा गया नीचे, सम टाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर लॉर्ड्स, यानी किंग के साथ जुड़े हैं एज अ समानता। कभी कभी क्या है कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया या फिर लगा ऊपर में किंग किंग लाइक है ही नहीं, इंडिपेंडेंट घोषित कर दो और खुद वो छोटा मोटा किंग बन गया। तो यानी कि राइवल पावर और पैरेलल पावर भी चल रहा है साथ साथ। बाद में यही जाके लैंड गिल्ड सिस्टम भी बन जाता है तुम्हारा मेडिवल इंडिया में, और यही का नहीं सरदर्द बनता है बाद में जाके, समझे ना, यही पीजेंट्स का जीना हराम हो जाता है बाद में जाके। तो जो भी चीज़ देखते हो आज का, जो भी चीज़ देखते हो, मैं हर समय बोलता हूँ तुम लोग को, आज जो भी प्रेजेंट देखते हो, और कुछ नहीं हिस्ट्री का ही आया हुआ चीज़ है। और बिहार क्यों पीछे है, तो इसका भी हिस्ट्री रीजन है। बंगाल इतना आगे बढ़ा, मैं कम्युनिस्ट आके फिर पीछे कर दिया बंगाल को, नहीं तो अभी बंगाल भारत के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए था। देखो बंगाली ने ये कम्युनिस्ट ने पीछे कर दिया बंगाल को, बंगाल तो अभी मतलब पूरा देश के लिए प्रेरणा होना चाहिए था। इतना गढ़ ब्रिटिश ने क्या नहीं किया बंगाल के ऊपर, बंगाल को धकेल दिया गया, कम्युनिस्ट का सरकार बर्बाद कर दिया। इक्वालिटी के चक्कर में ना, इक्वालिटी देंगे चक्कर में पूरा इंग्लिश एजुकेशन को बंगाली एजुकेशन बना दिया लोग, हो गया बर्बाद कर दिया तुम एजुकेशन सिस्टम को। इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम दिया था तुमको ब्रिटिश ने, आखिर वही तो एजुकेशन सिस्टम पूरा भारत में फॉलो करता है अभी भी। तो कम्युनिस्ट को इतना दिमाग खराब क्यों हो रहा था कि वो बदल दिया उस चीज़ को। तुम तुम एक बंगाल रहता पढ़ाने का, हमारा बिहार का आदमी लोग जाता पढ़ने के लिए वहाँ पे, समझ रहे हो ना। हिस्ट्री बहुत कुछ उल्टा, हिस्ट्री में क्या, प्रेजेंट में ही बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ हुआ है। हाँ तो बंगाल का तो प्रेजेंट ही बोलेंगे, कितना हुआ है, 50 साल हुआ है, 50 साल तो प्रेजेंट ही होता है, समझ रहे हो। बंगाली था जो एक अच्छा था, ये वाला हाल बंगाल कर रहा है। बहू जो तुमको आज़ादी मिला है ना, उसमें बंगाल का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ से आया बताओ, स्वामी विवेकानंद कहाँ से आया बताओ, राजा राम मोहन रॉय कहाँ से आया बताओ, बताओ ना तुम, के सी सेन कहाँ से आया बताओ, कहाँ से आए बताओ, एस एन बनर्जी कहाँ से आए बताओ। लिस्ट है, पूरा लिस्ट है, पूरा बंगाल अरविंदो घोष, इनको बता दो। हाँ सूर्य सेन बता दो, काय टीचर को भूल रहे हो तुम, हमारे तो फेवरेट है सूर्य सेन। देखो समझ में आ गया ना, बंगाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विषय नहीं है बट आप हिस्ट्री पढ़े तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए आपके माइंड में। वन सच इंस्टेंस, यही मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रकुता जो बोले ना, कि बोल रहे ना कि अपना अपना लैंड लॉर्ड ये लोग इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता कर लेता है जब किंग ऊपर स्ट्रांग ना हो। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है राष्ट्रकुतास। देखो इनिशियली वो पहले चालुक्या का ही सबऑर्डिनेट था, चालुक्या भाई बाद में उसको ईस्टर्न चालुक्या बोल के एक जगह पे उसको वो कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। पहले वो चालुक्या का ही हिस्सा था कर्नाटका का, कौन राष्ट्रकुतास। मग क्या हुआ मिड एट सेंचुरी में, मिड एट सेंचुरी का मतलब क्या है, 750 में क्या हुआ, दंती दुर्गा, बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रकुता का, ये दंती दुर्गा जो बहुत बड़ा चीफ था वो इमर्ज किया और उसने चालुक्य का ओवरलॉर्ड को वहाँ से फेंक दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया, उसी को हिरानिया गरबा कहा जाता है। जानते हो जब राज्य अभिषेक होता है तो वहाँ पे क्या आता है ना, पहले भी हिस्ट्री में बता चुका हूँ, वाजपेयी है ना, अश्वमेधा इस तरह का होता है। तो अभी देखो ये लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं हिरानिया गरबा का। When the rituals performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even he was not by any की वही बात है, degraded Kshatriya। अब ब्राह्मीण क्या है बाबू, जो लूट करेगा उसको क्षत्रिय होना जरूरी है ना, एज पर द वर्णा सिस्टम। अब इसको रिचुअल्स किया जा रहा है इसके ऊपर इसलिए क्योंकि अब है नहीं राष्ट्रकुता लोग क्षत्रिय नहीं है, तब पूजा पाठ करके इसको क्षत्रिय बनाया जाएगा। और ये पूजा पाठ को बोलते हैं व्रत स्तोमा, व्रत स्तोमा हो रहा है, रिचुअल्स हो रहा है, क्यों, राष्ट्रकुता नहीं है क्षत्रिय क्लास से, पूजा करवाएगा ब्राह्मण उसको क्षत्रिय का दर्जा देगा, तब जाके ना पूरा साम्राज्य संभालेगा वो। समाज साम्राज्य संभालने के लिए पीपल का वो होना जरूरी है कांटेक्ट, और पीपल का कांटेक्ट ब्राह्मीण से होगा, ब्राह्मीण बोलेगा देखो आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय है कुछ नहीं करना, ठीक है क्षत्रिय है, रूल करेगा। और उसके बाद देखते हो दंती दुर्गा, दंती दुर्गा बहुत बड़ा रूलर है, जैसे फुली किशन 2 जानते हो तुम लोग, वो भी बहुत डेंजर रूलर है, हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी टाइम का बताए थे तुम लोग को एंशिएंट इंडिया में,
वो बताओ इधर से वो आने नहीं दिया हर्षवर्धन को, हरा भी दिया उसको कि तुम ठीक है, नर्मदा तक ठीक है, नीचे नहीं, नीचे नहीं। और ये चीज़ उधर भी लिखा गया है, नॉर्थ इंडिया में भी लिखा गया है कि फुले किशन टू को नहीं हरा पाए थे। तो इससे और ज़्यादा प्रमाण होता है। ये पहले हम बताए थे सिक्स का, वो बता रहे हैं आपको, समझे ना। उसको जाके वीडियो देख लेना है, मतलब पढ़ कर समझ लेना है। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम। और ऐसा बहुत सारा है कि बड़े बड़े फैमिलीज मेंबर थे, बड़े बड़े फैमिली से भी लोग आते थे, एक स्किल्ड वाले लोग, वो भी किंगडम बना रहे थे। एग्जाम्पल देखो, कदम्बा मयूरसरम, क्या है मयूर, क्या है मयूरा सरमन एंड गुजरारा प्रतियारा हरिश्चंद्र वेर ब्राह्मणास हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन। आप देखो यहाँ पे ब्राह्मीण लोग भी क्षत्रिय बन रहे हैं। बोला कि ये लोग ब्राह्मण्स था, ब्राह्मणास था, ब्राह्मीस था, ये लोग अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के हाथ में हथियार उठा लिए और ये किंगडम बनाने के लिए चल दिए। और देखो इन्होंने कर्नाटका में किंगडम बनाया, राजस्थान में बनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो देखो ये तुम लोग यहाँ से भी देखो पूरा ऐसे ही है। ऊपर में एग्जांपल दे दिया कि छोटे छोटे स्टेट आया था उसका, ये देखो नीचे पैराग्राफ में बता दिया कि कौन सा स्टेट था। समझ में आना क्या बोल रहे हैं। तो देखते एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे होता था ये सभी किंगडम्स में, तौर तरीका क्या था इसका। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल। देखो ये तो मैंने पहले भी कहा था, ये टाइटल लेते थे अपना, टाइटल मतलब वही जानते हो अपना स्टेटस को और बढ़ाने के लिए। महाराजा अधिराजा यानी कि ग्रेट किंग, किंगों का किंग, ठीक है। त्रिभुवना चक्रवर्ती यानी कि तीनों के देव हुए, ठीक है। और इस तरह का, तो अब इस तरह का त्रिदेव जिसको कहा जाता है जैसे आदि गुरु, कितना बड़ा टाइटल है शिव जी को जो मिलता है। शिव जी को आदि गुरु कहा जाता है ना, सबसे पहला गुरु। तो अब जब हम लोग सुनते हैं, जैसे देखो तुम लोग एक गाना सुनते हो हर हर शंभू वाला जो गाना बहुत फेमस हुआ ना, वो कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और उसमें जो शिव जी के बारे में जो बताया गया है, मैंने उसको ही बोला था, ये देखो उसी दिन हमको भेज भी दिया, हम सब भेज दिया उसने आलोक ने, जो तुमको हम दिए थे ड्यूटी, तो वो अपना श्लोक खोज के भेज दिया। तो उसमें कितना बढ़िया शिव जी के बारे में प्रेस किया गया है संस्कृत वर्ड में। क्या है टाइटल है कि एक आदमी को और ऊंचा करना है तो टाइटल दीजिए उसका, और उसका स्टेटस, सोशल स्टेटस और बढ़ते चला जाता है। तो यही कारण है कि किंग उस समय अपने आप को टाइटल देते थे ताकि उसका रिकॉग्निशन और बढ़े सोसाइटी में। महाराजा अधिराजा बहुत बड़ा टाइटल है, जैसे देखो गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, इससे बड़ा टाइटल क्या हो सकता है कि नहीं है, इससे बड़ा टाइटल कुछ नहीं हो सकता है। फादर ऑफ द नेशन, बताओ इसी लैंड में जन्मा आदमी वो इसका फादर बन गया, इस सेंस से भी सोचो ना कितना बड़ा बात है। नहीं, शिष्य गुरु का भी गुरु बन गया एकलव्य। देखो एकलव्य जानते हो ना, सिखा करो ना एकलव्य से, वो खाली किताबी ज्ञान थोड़ी है एकलव्य। यानी कि एकलव्य को द्रोणाचार्य भी नहीं चाहिए था, बस मूर्ति रख लिए, मॉरल वैल्यू मिला, पूरा उड़ा रहे हैं और उसी का शिष्य को परेशान कर देते हैं, जो बाकिंग डॉग्स था ना उसका। ये सीखने वाला चीज है। देखो दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानता। देखो अब वही करेगा जो किंग लोग जो इतना ऊपर चला गया है, ये समानता, अभी भी समानता सिस्टम तो होगा ही होगा। जो भी किंग बना, वो भले ही वो नीचे से उठ के किंग बना, फिर भी उसको समानता चाहिए ही चाहिए, या फिर जो नॉर्मल किंग है उसको भी समानता चाहिए। समानता में समझ रहे हो ना, जो बिग लैंड लॉर्ड है, क्योंकि बिग लैंड लॉर्ड क्या करेगा, पूरा कंट्रोल है उसका, उसके पास आर्मी है। तो वही बोला ये अपना पावर शेयर करता था समानता से, और पीजेंट से भी करता था, और ट्रेडर्स और ब्राह्मणास। ब्राह्मणास तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, यहाँ पे रिचुअल सब में काम आ ही रहा है ये लोग। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वेर ऑब्टेंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सही बात है कि नहीं है, जितने भी स्टेट्स हुए सब में रिसोर्सेज कहाँ से आता था, खाने अनाज उनाज ये जो व्यापार ऊपर सब आएगा तुम्हारा पीजेंट से, कैटल कीपर से आएगा, आर्टिसन से आएगा, जो कि तुम्हारा क्या है, एक जगह पर प्रोड्यूस करेगा, दूसरी जगह पर जाकर उसको देगा। समझ रहे हो ना, एक जगह के देखो उठा के दो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मार्केट में जाके बेच रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। तो जब बेच रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, और किसान को भी यही चाहिए और राजा को भी यही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए
जरूरी है कि आपके स्टेट में खाना हो, आपके स्टेट में शांति हो। अब मान लो कि इस स्टेट में शांति नहीं रहेगा किसी स्टेट में, तो कैसे खाना पीना होगा? नहीं हो पाएगा ना, कियोस हो जाएगा, दाम महंगा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये क्या है, एक तरह से रिलेशन है, ये पीजेंट जो प्रोड्यूस करेंगे एक जगह वो दूसरी जगह जाएगा उस स्टेट में। समटाइम्स दिस वे क्लेम्ड एज अ रेंट ड्यू टू द लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड और रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर। सही बात है कि नहीं है? अब जो लैंड है वो तो राजा का है, या फिर तुम्हारा उसके नीचे जो समानदास का है, तो समानदास तो पैसा लेगा ही लेगा, और वो पैसा पूरी तरीके से चला जाएगा राजा के पास चला जाएगा। क्यों? ओवरलॉर्ड के पास आए हो, लैंडलॉर्ड के पास आएगा तो लैंडलॉर्ड भी तो गिफ्ट दे ही रहा है वहाँ पे। तो किंग कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है? थ्रू टैक्स, थ्रू रेंट, है ना? अभी भी मोदी जी के पास है, भारत सरकार के पास जो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें पैसा कहाँ से? तुम्हारा ही मेरा है। डायरेक्ट टैक्स जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, 400 टैक्सेस। देखो इतना टैक्सेस होता था वहाँ पे। इंस्क्रिप्शन, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अलग इतने टाइप्स के टैक्सेस होते थे। अभी भी देखो, हाँ, 400 टैक्सेस, इसका मतलब ये है सेम टैक्स 400 टाइम्स नहीं, अलग अलग टैक्स 400 टाइम्स, अलग अलग। जैसे कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी, इस तरह 400 टैक्स। देखो द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास, देखो जो तमिलनाडु में करता था, है ना, रूल करता था, उसमें बताया गया है, उस इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि 400 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ टैक्सेस प्रेजेंट थे उस समय। और जो ज़्यादा टैक्स लगता था उसका नाम था वेटी, ठीक है? वेटी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कैश नहीं है बट फोर्स लेबर। अब टैक्स के नाम पे तुम्हारा फोर्स लेबर भी है, बंधुआ मजदूर, तुमको हम काम करवा देंगे। जैसे मान लो कि तुम पढ़ने के लिए आए हो, दिल पे नहीं लेना है, बात समझना है, ठीक है? तुम पढ़ने के लिए आया, तो हम बोले एक काम करो, मेरा काम कर दो, और तुमको हम 4 घंटा काम करवा लिए। तो यही है तुम्हारा फोर्स लेबर। ये भी एक तरह से टैक्स ही हुआ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, टैक्स हो गया। बेटी समझ गए ना? कदामाई क्या होता है? तुम्हारा लैंड रेवेन्यू, जो कि जान ही रहे हो, लैंड रेवेन्यू चलेगा ही, क्योंकि फार्मर्स को देगा, ट्रेडर्स को देगा, तो लैंड रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेस एंड द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइम अ पाम ट्रीज। बताओ, घर बनाने के लिए भी, हाँ, घर का जो ऊपर जो कवर किया जाता है, हाउस बनाने के लिए भी तुमको टैक्स चाहिए। हाउसिंग टैक्स तो लेता ही, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स नहीं लेता क्या? अभी हमारा घर है सिटी में तो अभी टैक्स लगता ही है। उतना ही नहीं, अब पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए जो लैडर है उस पर भी टैक्स सेस लगता था। फैमिली प्रॉपर्टी पे, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो टैक्स लगे, उस पर भी टैक्स लगेगा। हाँ, सेस का मतलब होता है काइंड ऑफ टैक्स, एक टैक्स ही है, बट वो जब टैक्स लिया आता है तो जिस नाम से ले रहा है उसी नाम पे खर्च करना पड़ता है। जैसे एजुकेशन सेस होता है, अब एजुकेशन सेस का मतलब है कि टैक्स लगाया जाएगा, बट जो टैक्स असूला जाएगा तो एजुकेशन पे ही आप खर्च कर सकते हो, आप दूसरे चीज़ पे खर्च नहीं करोगे। जैसे फूड टैक्स अगर से कोई लेता है, मतलब वो बांध नहीं, फूड टैक्स कभी होता ही नहीं है। फूड टैक्स होगा बट फूड सेस कभी नहीं होगा। सेस जो होता है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से ही जुड़ा होता है। जैसे ये तुम्हारा एजुकेशन सेस हो सकता है, एजुकेशन सेस ही ज़्यादा होता है कंट्री में, समझे ना? या फिर दूसरा भी हो सकता है, बट एजुकेशन सेस इज़ वेरी कॉमन इन प्रेजेंट एरा ऑल्सो। देखो मोदी जी कितना लगा, जैसे एक GST कंपनसेशन सेस भी है। तो अब GST कंपनसेशन सेस का मतलब क्या, कि जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो GST के लिए ही दिया जाएगा अलग से, जिस स्टेट को नहीं मिला उस स्टेट को अलग से दिया जाएगा। तो जिस नाम से सेस लिया आता है उसी नाम पे खर्च करना पड़ता है, बट टैक्स ऐसा नहीं है। टैक्स आप उठाइए, आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। नो, सेस इज अ काइंड ऑफ टैक्स बट विद अ पर्पस, कि इसी फील्ड में हम खर्च करेंगे, और बाकी टैक्स आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, समझ गए ना? तो ये सब चीज़, यानी कहने का मतलब जो टैक्सेशन सिस्टम है ये नया नहीं है कंट्री के लिए, ये तो चोलास का भी इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, समझ रहे हो ना? तो देखो, दिस रिसोर्सेज वर यूज्ड, अब जो भी टैक्स आया, लैंड रेवेन्यू आया या वेटी आया, जो भी आया, तो इसे किंग का इस्टेब्लिशमेंट, किंग और अपना साम्राज्य को फैलाएगा उस पैसा से, ठीक है? और नए नए टेम्पल बनाएंगे, नए नए फोर्ट्स बनाएंगे, फोर्ट्स वही किला बनाएंगे, और अपने साम्राज्य को और दुरुस्त करेंगे, वो यही करते हैं। देवर ऑल्सो, देखो, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है, और दूसरे का वेल्थ भी कब जाएंगे उसको रखेंगे, प्लंडर करेंगे ये लोग, ठीक है, लैंड दूसरे लैंड को लेंगे, ट्रेड रूट को बनाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या, वो पैसा से केवल रखा नहीं जा रहा, स्थापना तो किया ही जा रहा है, साथ साथ वो पैसा से दूसरे का लड़ाई भी किया जा रहा है।
लैंड रूट को भी रखा जा रहा है अपने अंडर, ताकि साम्राज्य और बड़ा हो सके और ज़्यादा ट्रेड कर सके। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वेर जनरली इक्विटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली। सही बात है ना, जो टैक्स कलेक्शन का जिसके पास पावर होगा, अब किसी भी आदमी को हम तो उठा नहीं सकते कि जाओ तुम टैक्स कलेक्टर होगा। टैक्स कलेक्टर के लिए जरूरी है कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जो इंपॉर्टेंट फैमिली है, उसका मेंबर को सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि उसका पावर होना चाहिए सोसाइटी में। अभी भी देखते हो जो विवादित वाला जो ज़मीन होता है उसमें ऐसा आदमी को लगाया जाता है जो आदमी, जिस आदमी से लोग डरता है और तुरंत वो मामला सॉल्व कर लेता है। जैसे गांव देहात का मैं बताता हूँ, गांव में हाँ रंगदार जिसको बोलते हैं, वो वर्ड नहीं आ रहा था मुझे। गांव में क्या होता है कि देखो कोई भी डिस्प्यूट हो गया तुम्हारा रंगदार को दे दो, रंगदार भी थोड़ा खाएगा तुमको भी मिल जाएगा, और रंगदार के सामने कुछ बोलेगा नहीं अगला वाला। तो उस समय अभी के लिए रंगदार, उस समय बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली जिसका पहुँच हो, जो रईस है, जिसका पावर हो, तो ऐसे लोगों को चुना जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। एंड पोजिशन, और इसका पोजिशन हेरिडेटरी होता था कि पिता को चूज किया गया तो बच्चा हो रहा है बड़ा, उसको चूज किया जाएगा। हाँ क्या बोले, समानता ही तो चूज कर रहा है, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा ज़मीन हो गया ना, तो वो नीचे अपना काम लगवाएगा, या फिर किंग भी ये काम कर सकता है, बहुत आर एलिजिबल, क्योंकि आखिर पैसा टैक्स कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा, तिजोरी में, किंग के तिजोरी में जाएगा। अभी भी देखो ना, टैक्स डिपार्टमेंट है कि नहीं हमारा, और ईडी किस लिए है, यही सब चीज़ के लिए तो है। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी। देखो ये बोला कि ये आर्मी के लिए भी वही है कि आर्मी का भी वो है ना, आर्मी का कि आर्मी का भी बेटा आर्मी ही होगा इस तरह। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग, हाँ बहुत सारा जगह पे जो किंग का जो अपना अजीज है, अपना जो उसका रिलेटिव्स है, वो इस तरह का व्यवस्था फॉलो, वो टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता था या इम्पोर्टेंट पोजिशन को वो करता था, उस समय होल्ड करता था। किंग का देखो कोई अपना जान पहचान है तो उसको बोला ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर तुम बन रहा है, किंग का जान पहचान, देखो किंग का दृष्टि जिस पे आ गया वो आदमी हो गया, उसको पोजिशन मिलेगा अच्छे से, यानी कि पूरा भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। अभी तो नेपोटिज्म नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई अपना आदमी तो नहीं ना है जी, दूसरा जो मिनिस्टर में है, भाई भतीजावाद मतलब जैसे हम किसी पोस्ट पे हैं और मैंने तुम मेरे भाई हो, हम तुमको डाल दिए, इसलिए नहीं डाले कि तुम मेरी अच्छा, तुम्हारे अंदर मेरी हाँ तुम भाई, उसी को नेपोटिज्म कहा जाता है। तो ये सब नेपोटिज्म का ही तो खेला है। देखो प्रशस्ति, प्रशस्ति के बारे में जानते हो ना, जो लाइन लिखा जाता था हर्षवर्धन के बारे में, उससे पहले भी समुद्रगुप्ता के बारे में भी लिखा गया था। तो प्रशस्ति देखो, प्रशस्ति डिटेल लिखा गया, वो जो ही नहीं कि वो सही हो, कई बार तो जो कोर्ट पॉइंट है वो तो झूठ मूठ का भी लिखते थे बहुत सारा चीज। कौन एक ही बार में नाम बता दिया तुम लोग। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ, मगर हाँ जो भी हो, मैं इससे इनके प्रशस्ति से, इनके बात से ये तो पता चलता होगा तुम लोग को कि राजा क्या चाहता था कि उसके बारे में लिखा जाए और सुना जाए। ये तो अनडाउटली ये तो सही बात होगा। यदि कोई डरपोक राजा भी है तो वो भी चाहता होगा कि प्रजा को बोल दो कि बहुत बड़ा राजा आया है, और कोट पोट तो बैठा हुआ है जी गुरु, नहीं बड़ा नहीं, आप सबसे बड़ा है, लिख रहा है प्रजा को दे रहा है, आप प्रजा का आस्था, प्रजा समझ रहे हो ना लोग से, उसका आस्था और बढ़ जाएगा कि हमारा किंग कैसा हो तो ऐसा हो, तो उसका दबदबा और बढ़ जाएगा। जैसे अभी मोदी जी का देखो, मोदी जी का हमारा नेता कैसा हो तो मोदी जी जैसा हो, कैसे प्रचार, टेलीविजन प्रचार करता है कि नहीं करता है रोज बैठ के तुम्हारे घर में। तो अभी तो बहुत आसान साधन है, सोशल मीडिया प्रचार कर रहा है मोदी जी के बारे में, न्यूज़ चैनल बाबू, अभी का न्यूज़ चैनल नहीं ना, कैसा है सब प्रचार करने के लिए लगा हुआ है, खत्म न्यूज़ चैनल है अभी का। देखो तो प्रशस्ति समझ गए ना, एज अब क्या राजा कैसा चाहता है अपना पिक्चर, वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर, यानी कि हम जीतने वाले आदमी हैं, हम कई बैटल लड़ चुके हैं, त्रिदेव है, ये है वो है प्रचार। फॉर एग्जाम्पल दिस वेयर कम्पोज बाय लर्न, अब ये जो कम्पोज करते थे लर्नड ब्राह्मण सब करते थे, और ये लोग भी हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, और हमने तुर्किस का भी देखा ही है दिल्ली सल्तनत, उसमें उलेमा लोग कितना डोमिनेंट था, तो ये जो ब्राह्मण्स है इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से कंट्रोल है। अभी भी देखो ना, अभी भी कंट्रोल है, अभी भी है कि नहीं है, भूमिहार जो जात है, जो ब्राह्मण है, अभी भी मोदी जी के कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पर है। डेटा निकाल कर देखो, एक कुछ दिन पहले की बात है, एक लेके आया था,
तो नागा भट्टा का अचीवमेंट देखते हैं थोड़ा, नागा भट्टा का, यही ना जी, कौन नागा भट्टा आदमी है यार, बहुत बड़ा आदमी है वो, ठीक है ना, बहुत बड़ा ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा रूलर है ये, ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया। देखो क्या लिखा गया इनके बारे में, अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति, सही बात है, प्रशस्ति में लिखा गया है, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े हो क्लास सिक्स में, वन प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखा गया था, जो ग्वालियर में पाया गया था एमपी में, ये और कोई नहीं पथियारा किंग ही है, गुजरात पथियारा, अब जो नीचे वाला दंती दुर्गा जाने हो, अब थोड़ा इधर का जान रहे हो, गुजरात वाला एरिया वाला, तीन बताए हैं, पहले राष्ट्रकृता बताए थे दंती दुर्गा, और अभी गुजरात पथियारा के बारे में बोल रहे हैं, उसके जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंग, क्या नाम उनका, ये हाँ नागा भट्टा, उसके बारे में लिखा गया, देखो उसके बारे में क्या लिखा गया है, मध्य प्रदेश में पाया गया वो इंस्क्रिप्शन, उसमें बारे लिखा गया है, देखो द किंग्स ऑफ आंध्र सिंध, सिंधावा, सिंधावा मतलब उस समय का सिंध, विदर्भा यानी कि महाराष्ट्र का, अभी भी विदर्भा बोला जाता है, कलिंगा फेल बिफोर हीम इवन ही एज ही वॉज प्रिंस, ऐसा लिखा गया कि जब वो प्रिंस थे, राजा नहीं थे, राजा का बेटा प्रिंस होता है ना, जब प्रिंस थे तभी ये लोग झुक गया, क्या बताने का मतलब, इतना बड़ा बड़ा अलग अलग किंगडम का आदमी, अलग अलग डायनेस्टी का आदमी इसके कदमों में झुक गया, जो कि उस समय वो किंग भी नहीं था, और सोचो अभी किंग होता तो क्या होता, तो बहुत बड़ा ये प्रशस्ति है ये तो। अब बोले कि अनुराग तो यूपीएससी का तैयारी नहीं भी करता तो फिर भी इसको इतना ज्ञान है, यदि ये तैयारी करता तो कितना ज्ञान होता, अब पता चला अनुराग को ABCD भी नहीं आता रियलिटी में, तुमको नहीं बोले एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हालत खराब, और सब दुनिया पढ़ रहा है, ओ माय गॉड अनुराग ऐसा था, ये तो सुभाष चंद्र बोस वाला टाइप का हो जाएगा आदमी, ये क्या अटेम्प्ट में निकाल लेगा, थर्ड रैंक फोर्थ रैंक, हाँ तो पूरा इसका वंशावली देखना शुरू कर देगा, ऊपर में पूरा गायब, ऊपर में पता चलेगा, सीरियस नहीं लेना, आई एम जोकिंग, ऐसा होता है, हम जैसे एग्जाम्पल देखो ना हमारा ही, देखो ना अब हम अपना लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो मेरा, अब तुम मेरा टीचर हो गया, जैसे मेरा या फिर कोई भी टीचर का, मेरा ही चलो, जी कुमार ने IAS बनाया, ठीक है ना, अब IAS बनाया, बना कोई नहीं, मैं IAS बनाया, अब पूरा अब्बा उड़ गया, और पता चला कि जीवन भर कभी बनाए ही नहीं थे, अब पूरा खाली बात करते हुए निकाल दिए जीवन को, अब कुछ काम नहीं किए, और यदि और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि एक बच्चा को पकड़ लिया जी कुमार ने, उसको बैठा दिया और बहुत अच्छा पढ़ाया, और वो बच्चा पढ़ने में बुड़बक था पहले, और बाद में बहुत बड़ा आदमी बन गया, IAS बन गया, जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, अब पता चला कि बाद में वो जो बच्चा जो उसके बारे में क्लेम किया जा रहा था वो कहीं नहीं पहुंचा, वो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं निकाला, मगर जो बगल में बैठा हुआ था आदमी वो लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पे जी कुमार सब चिल्ला रहा है, बाद में देखा गया कि पूरा खाली है इसका तो। मगर मैं बना भट्टा का नहीं बोला हूँ, बना भट्टा अच्छे रूलर थे, मगर मैं बोला हूँ प्रशस्ति में किस तरह फेंका जाता था चीज़ों को, तो ठीक है मैंने तुम्हारा काउंटर किया है, खाली खाए तुमको खाली बदनाम करें हम, देखो अब देखो इसने क्या, देखो कि प्रशस्ति में क्या क्या लिखा गया है, ये किसको किसको जीता है, चक्र युद्धा को जीता है, जो कनौज का जो रूलर था, अब देखो आखिर फाइट तो कनौज ही को लेके हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे कनौज का लैंड हथियाए, कनौज का लैंड बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है, फर्टाइल लैंड है, यदि उस लैंड को हम हथिया लेंगे तो पूरा गैंजेटिक प्लेन अपना हो जाएगा, फिर देखो उसने चक्र युद्धा को हराया, उसने किंग ऑफ बंगा को हराया, बंगाल वाला हिस्सा, उन्हें अनर्था को हराया, गुजरात वाला, उसने मालवा को भी हराया, मध्य प्रदेश वाला, उसने किर्ता को भी हराया, देख रहे हो ना, उसने तुरुस्का को भी हराया, ट्रस्क को भी हराया, वास्सा माया मासिया यानी कि तुम्हारा नॉर्थ इंडिया को, यानी कि उसने सबको हराया, ऐसा किंग है हमारा बना भट्टा, तो है ना नागा बना भट्टा, तो बड़ा बड़ा न्यूज आएगा नहीं है, बड़ा न्यूज आएगा, तूफान मचाएगा ना आने वाले पीढ़ी में, तो ये इसी को बोलते हैं प्रशस्ति, अब कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है वो बात का विषय है, जो बाकी उस समय लिखे होंगे किताब उसका भी देखा जाएगा, तो बोला जाएगा ठीक है किंग तो अच्छा ही रहा है, मगर इतना जो हाँ की जो बोला जा रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि नीचे है अभी राष्ट्रकुता लोग, अभी वो सबसे पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को, क्या कि मैं तो पढ़ाता ही हूँ, मैं तो कई बार पढ़ा कर बैठा हुआ हूँ UPSC में, आई नो कि जो नीचे वाला जो राष्ट्रकुता का जो किंग है ना वो छोड़ेगा नहीं, वो पालास को भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारा गुजराड़ा प्रतिहारास को भी नहीं छोड़ने वाला है, समझे, और एक जो भोज मीर भोज सुने हो वो डेंजर है,
वो गुजरा पतियारा से कही, वो मिहिर भोजा खतरनाक था, मिहिर भोजा बाद में कभी बताएंगे। देखो, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड दिस वेर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स विच वेर गिवन टू दोस हु रिसीव द लैंड। सही बात है ना, अभी किसी को भी रिसीव मिलता है तो हम पेपर दे देते हैं या डिजिटल आ जाता है, तो उस समय ब्राह्मणास लोग को ना, अब ब्राह्मणास लोग को लैंड मिलता था, ठीक है, और उसके लिए कॉपर प्लेट में लिखा रहता था कि ये लैंड आपका है। देखो कॉपर प्लेट ऐसा होता था, देख लो वहाँ पर। देखो मैं तुमको सलाह दूंगा कौशिक, तुम मत डाक करो इसको, ठीक है, क्योंकि तुमको 20 बार पढ़ना है किताब को, ठीक है ना। तुमको ये किताब 20 टाइम्स पढ़ना है, डोंट डू दिस। एक बार तक तो ठीक है आपको यूपी, एक बार तक तो ठीक है, यदि एक ही बार पढ़ के छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, बार बार मत करो उसको। जितना किताब आपका साफ रहे उतना अच्छा है, नहीं रखो, क्योंकि तुमको 20 बार पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी में। हाँ, पेंसिल से तुम जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसको वहाँ पे लगाओ, उसका मीनिंग, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। तो व्हाट वाज गिवन विद द लैंड के साथ बहुत कुछ दिया आता था, पढ़ लोगे ना तुम लोग ये वाला, ये पढ़ लेना थोड़ा सा, तो उतना मेहनत कर लो तुम लोग। अब देखो, अनयूजुअल फॉर द क्या है तुम्हारा, 12th century वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। सही बात है, यही कल्हाना का राजतरंगिणी वाला बात होगा यहाँ पे। तो ये क्या बोला जा रहा है कि देखिए 12th century में, 12 मतलब 1100 से लेकर 1200 वाला जो दौर था, उसमें एक लॉन्ग संस्कृत पोएम रचना किया गया और उसमें कश्मीर के बारे में बताया गया। कश्मीर के बारे में पहली बार बताया गया कि कश्मीर कितना सुंदर है। अभी हम लोग देखते हैं ना कश्मीर मतलब स्वर्ग है, तो ये पूरी तरीके से ये कविता में लिखा गया था, समझे ना। इतना ग्रेट कविता कोई बना ही नहीं है कश्मीर को डिस्क्राइब करने के लिए, समझे। देखो वही उस समय, देखो कल्हाना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कल्हाना का राज तरंगनी, कल्हाना स्कॉलर का नाम है, ऑथर का नाम है, इसका जो किताब था उसका नाम था राज तरंगनी, ठीक है। तो ही यूज़, देखो बहुत सारा सोर्सेस यूज़ किए, इंस्क्रिप्शन यूज़ किया इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया, आई विटनेस, जिसने विटनेस देखा है अपने आँख से, ठीक है, तब जाके तुम्हारा इसने अकाउंट लिखा है, तब जाके इन्होंने राज तरंगनी लिखा है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर, मगर देखो ये जो है कल्हाना, जो है कल्हाना डायरेक्ट बात नहीं मानते किसी का, ये बोलते कि ऐसा नहीं है, प्रशस्ति में तो कुछ भी लिखा जाता है, क्योंकि उसके उसके अपना ही आदमी लोग लिख रहा है तो कुछ भी लिखेगा, क्योंकि किंग को मन है कि ऐसा पोर्ट्रे करे उसको, सोसाइटी में उसको ऐसे से देखे। बट ये क्या करते थे, जो भी लिखते थे ना बहुत सारा किताब ला के अलग अलग जगह से ला के तब लिखते थे, क्योंकि 10 किताब पढ़ोगे तो आइडिया ज़्यादा होगा, और एक किताब पढ़ोगे हो सकता है वो किताब बायस्ड हो, इसलिए। तो वारफेयर फॉर वेल्थ, देखो वेल्थ के लिए झगड़ा जो हो रहा था उस समय, करेक्ट। यू मे हैव नोटिस डैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रीजन। अभी जितना भी हमने डायनेस्टी देखा, चाहे हम गुजरात पतियारा का बात करें, चाहे राष्ट्रकूटास का बात करें, चाहे पालास का बात करें, या और जो भी रीजनल डायनेस्टी हो, सब अपने अपने जगह पर पूरा शेयर बना हुआ है कि नहीं है। एट द सेम टाइम, और कोशिश तो यही कर रहा है कैसे दूसरे का लैंड हम कब जाए कंट्रोल करें, ये तो तभी तो कनौज के लिए बैटल हो रहा है इतना बड़ा। तो वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज, देखो सिटी ऑफ कनौज, जा देखो मुँह का बात छीन लिया वहाँ पर, देखो वो जो जिस जगह के लड़ाई कर रहा था वो कनौज है, और देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो इसमें पूरा ट्रिपेटाइट बैटल बताने का प्रयास किया गया अलग अलग घुमा के, जो तुमको शुरू से हम बोल रहे हैं, लड़ाई यहाँ पे कनौज है, कनौज जो दिल्ली के पास वाला एरिया है, कनौज उत्तर प्रदेश वाला एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, समझे। वो एरिया अपने हाथ में आएगा तो गंगा का जो मेन चीज़ है वो आ जाएगा, गंगा का लैंड आ जाएगा, और यदि गंगा का वो फर्टाइल लैंड अपने हाथ में आ गया तो हो गया गेम फुल कंट्रोल, क्योंकि इतना जो हवा बनाया गया कनौज को लेके वो और कोई नहीं, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने कनौज को इतना डेवलप कर दिया कि हर कोई चाहेगा कनौज को हम ले लें, कनौज को ले लें, और यहाँ फाइट हो रहा है कनौज के लिए, पाला भी जाता है कनौज को ले, पतियारा भी जाता है कनौज को ले, ये भी राष्ट्रकूट जो डिक्कन में पड़ा हुआ है कर्नाटका में वो भी जाता है ऊपर तक जाए, ऊपर तक जाएगा इसको कंट्रोल तो पूरा भारत कंट्रोल हो जाएगा, बात समझो। ये बैटल बहुत बड़ा बैटल चल रहा है और छोटा मोटा बैटल नहीं है ये। देखो फॉर सेंचुरीज रूलर जो गुजरात पतियाराज का था, राष्ट्रकूता पाला फाइट कर रहा है कनौज के लिए, ये तो थ्री पार्टी जो इन्वॉल्व हो रहा है लंबा समय के लिए, जहाँ पे लड़ाई हो रहा है, हिस्टोरियन इसको ट्रपटाइड स्ट्रगल कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ ना, बात समझा करो ना, ये ट्रपटाइड यानी कि तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व है और बहुत लंबा सेंचुरी के लिए फाइट हो रहा है।
वो 200 साल का था जी, ठीक है। उसमें देखेंगे रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। सही बात है ना, हमारे पास इतना पैसा है तो हम लार्ज टेम्पल बना दिए। और उस समय देखो टेम्पल का मतलब होता था पावर, यानी कि तुम बहुत बड़ा राजा है, कौश ये तुम बहुत बड़ा राजा है तो तुम बहुत बड़ा टेम्पल बनवा देगा तुम। और टेम्पल में लोग आएंगे और पूछेंगे कौन है राजा जो टेम्पल इतना बड़ा बनवा रहा है, तो फलना फलना राजा है। और वो राजा का फोटो भी रहेगा टेम्पल के पास में, हो गया आस्था। हाँ, कई लोग तो राजा लोग अपना फोटो भगवान के साथ लगा देता था, रहो अपना मजे में। आज जब तुम्हारा यदि कंपैरिजन भगवान के साथ होना शुरू हो गया तो तुमको कोई विद्रोह करेगा? क्यों करेगा विद्रोह, क्यों करेगा? यदि घोषित हो जाए कि मोदी जी शिव जी है तो कोई विरोध करेगा? डर से भी विरोध नहीं करेगा, कहीं शिव जी कहीं तांडव कर दे तो हो गया। फिर यही तो शिव जी है जिसको हम बाबा धाम जाते चराने के लिए, अब तो यहीं पर चरा देंगे। अब फिर बैकग्राउंड में ऐसे भी गाना बजी रहा है हर हर शंभू का, हैप्पी खुश सब, शिव जी मिल गए। तो ये चीज़ अभी तो नहीं होता है, चलो अभी आदमी बहुत अवेयर है, मगर उस समय तो होता था ये सब चीज़, समझे? तो ऑल्सो ये देखो यही बोला, सो दे अटैक अनदर किंगडम। और देखो अभी यहाँ पे तो फिर विवाद वाला बात नहीं होगा। अब फिर क्या करता था ये लोग, अपना माइटी एम्पायर बनाने के चक्कर में दूसरा एम्पायर को अटैक कर देता था, अब दूसरा एम्पायर का टेम्पल अटैक कर देगा, बताओ? ये तो बहुत बड़ा बात होगी। हम पहले भी बोल चुके हैं तुमको, एक हिंदू राजा खुद टेम्पल को अटैक करता था बाहर जाके। क्यों? टेम्पल टेम्पल नहीं है, टेम्पल पावर है एक रूलर का। यदि टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया तो रूलर का जो किंगडम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि यहाँ टेम्पल आपका माइट दिखा रहा है ना, आपका पावर दिखा रहा है। यदि एक राजा का पावर टेम्पल है और उस टेम्पल को ध्वस्त कर दिया किसी राजा ने, तो अगला वाला जो राजा है वो प्रूव कर रहा है कि यस आई हैव कवर्ड, मैंने आपका कन्क्वर कर दिया लैंड को। वही चीज़ हो रहा है। देखो वन ऑफ द बेस्ट नोन, देखो ये देखो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जानते हो ये बेकार का आदमी, लोग बाहर से आया है, अफगानिस्तान से आया है। ये देखो ये अच्छा आदमी कैसे बोल सकते हैं इसको, बताओ जरा। अरे जिसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वो भी आता है, उस पर एक बार नहीं कई बार अटैक कर चुका है, 17 टाइम्स अटैक किया है, तो हम अच्छा बोलेंगे उसको? अच्छा बोलेंगे क्या? यदि हम अच्छा बोलेंगे तो इसका मतलब हमको कोई मतलब नहीं है इंडिया से, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो इसने क्या किया, देखो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान जो आया था, बताओ ये रूल कर रहा था वहाँ पे 997 से 1030 तक, ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर कर रहा है। अब बट सेंट्रल एशिया रिसोर्सलेस, वहाँ पर रिसोर्स ही नहीं है, पैसा रुपया कुछ नहीं है, अब पूरा भिखारी वाला जगह है वो सेंट्रल एशिया। उस समय तो देखो उतना एक्सप्लोरेशन भी नहीं था, ऐसे तो सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि मिनरल्स वगैरह है, और उस समय बुद्धि थोड़ी था कि मिनरल्स निकालने का उतना, तो उस समय के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पर कोई रिसोर्स ही नहीं था। और वहाँ पर तुमको बिग किंगडम रखना है तो तुम क्या करोगे? बगल का किंगडम देखोगे, देखोगे कहाँ पे रईस लोग बैठा हुआ है, कहाँ पे सोर्सेस है, उसको सोमनाथ टेम्पल दिख जाएगा, और कोशिश करेगा सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके वहाँ से पैसा लेके आ जाए अपने साम्राज्य में और अपने साम्राज्य को और बड़ा कर ले। सर, कोई भी टेम्पल में राजा अपना खजाना रखता था? नहीं, खजाना नहीं, खजाना का बात नहीं, खजाना तो उसका अपना ही उसमें रहेगा। टेम्पल एक बाइट है, टेम्पल एक सिंबल है, जैसे कैपिटल एक सिंबल है ना जी, उसी तरह वो सिंबल है। अब बड़ा बड़ा टेंपल बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए हम इतने बड़े राजा। हाँ हाँ भगवान जी, बिल्कुल अभी जो बन वो देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टेंपल में ज़्यादा रहता था, अरे उसके पास तिजोरी में ज़्यादा रहेगा उसका, पर टेंपल एक सिंबल है। और ये टेंपल पे अटैक का मतलब कि राजा पे अटैक करना होगा, क्योंकि राजा ने बनाया है ना, वो सिंबल है वो। अगर सर टेंपल टूट गया तो ये माना जाएगा कि राजा हार गया? नहीं, हार नहीं गया, राजा पे आक्रमण हो गया। अच्छा। तो राजा बिना सुजन में भेज देगा आर्मी को, जाओ लड़ो, अब हो गया युद्ध, हो गया अब वहाँ से युद्ध का आगाज है किसी टेंपल पे अटैक करने का मतलब। जो नहीं कि अब टेंपल टूट गया तो हार गया, अभी जाएंगे लड़ने के लिए जाएंगे, बट सिंबल तो हो गया ना, संघ बच गया ना लड़ाई के लिए। ये देखो तो सुल्तान मोहम्मद गजनी जो रूल कर रहा था, बता चुके हैं सेंट्रल एशिया में, ईरान में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये वाला एरिया में रूल करता था, अभी भारत में आया नहीं है, उस समय करता था। अब सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत की तरफ वो हर एक साल आता था लूटने के लिए, समझे? और उसका टारगेट क्या होता था? वेल्दी टेम्पल्स, उसमें एक सोमनाथ भी है जानते हो, और मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद जो ले गए थे वहाँ पे, सब अपना कैपिटल गजनी को और आगे बढ़ाने के लिए और उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करता था ये सुल्तान मोहम्मद। देखो ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, देखो और ये क्या अबाउट द पीपल ही कन्क्वर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल्बर्ट न्यू टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये क्या करते थे,
जाते थे वहाँ पे, वो पीपल के बारे में जानते थे और अपने स्कॉलर जो थे उसके अल बर्नी को वहाँ पे रखे थे ये बताने के लिए, बताओ आदमी लोग क्या है, कैसा है आदमी लोग, क्या फॉलो करता है, उसका कल्चर क्या है। तो अल बर्नी ये सब चीज़ को लिखता था, तो यही चीज़ अल बर्नी ने, अल बर्नी स्कॉलर है समझा, जो ये रखा है गजनी रखा है, तो इसने क्या लिखा था, किताबे उल हिंद, यानी हिंद मतलब इंडिया उस समय का, तो मतलब भारत का किताब कहने का मतलब ये है। इसमें वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए अभी भी स्टिल, और ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। अब उसके लिए इसने क्या किया, संस्कृत स्कॉलर्स को भी कंसल्ट किया है, तब जाके किताबें हिंद लिखा गया है। क्यों, संस्कृत स्कॉलर्स का मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा भारत के बारे में जानता है, तो वो अपना चीज़ को ट्रांसलेट करके पर्शिया में देगा, तब जाके वो पर्शिया में लिखेगा वो लैंग्वेज में। वह अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड, देखो दूसरे किंग जो उस समय, जैसे कि प्रतिहारा सब बता दिए, दंती दुर्गा के बारे में बात हुआ, और कोई इंपॉर्टेंट किंग जो कि इन्वॉल्व था उस समय, देखो तो चमानास थे, कोई लेटर नोन ऐसे चौहानस, जो बाद में उसको चौहानस कहा गया, वो तुम्हारा दिल्ली और अजमेर वाला जगह पर रहता था। ये इसने पूरा कोशिश किया कि कैसे अपना कंट्रोल ये बढ़ाए और वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, चालुकिया से अपोज, यानी कि देवर अपोज बाय चालुकिया सब गुजरात, बट इसका हर समय झगड़ा होता था तुम्हारा गुजरात का चालुकिया से, गढ़वाला जो था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, ये सब और भी छोटे छोटे किंगडम सब है जो फर्स्ट फिगर में तुम लोग को दिखाए थे, तो इन लोगों का सबसे नहीं बनता था। जो कहोगे चमाना का जो सबसे, चमाना मतलब चौहानस होता है, बाद में उसको चौहानस ही कहते हैं, चौहानस का जो सबसे खतरनाक जो रूलर रहा है पृथ्वीराज चौहान रहा है, ये 1168 से 1192, जो कि जानते हो कि लास्ट रूलर ये हराया था, ये घोड़ी जो, घोड़ी गजनी नहीं, घोड़ी, घोड़ी बात का है, गजनी से कई बात का है, तो शुरू में घोड़ी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, बट सेकंड टाइम क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। वही तुम्हारा बैटल ऑफ तैरान है, तैरान वही तुम्हारा पानीपत के आसपास का ही एरिया है, राजस्थान का एरिया, समझ गए ना, और कितना है, ठीक है कल देखेंगे हम लोग। घोड़ी, घोड़ी था मोहम्मद घोड़ी नहीं सब।